अक्सर दिल ये कहता है कि शंकर जयकिशन का मुखड़ा अगर आपको पसंद आ जाता है तो अंतरा आपको घायल कर देता है। फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये टाइटल ट्रैक आपके लिए। मोहब्बत की कसम।
थैंक यू। वंस मोर ओके, जब गाना चलेगा तो साथ में आपकी तालियां भी चलेगी। ओके अभी नहीं गाना चलेगा तब। तेरी आंखों में जो सुरूर है सारा उसी का तो कसूर है। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम मोहब्बत की कसम, 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 मोहब्बत की कसम। क्या बात है, आज प्यार करने वाले लोग बहुत आ गए। वेरी गुड। एक ऐसा ही गाना आपकी बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जहां पर मोहब्बत की एक प्यारी सी मिसाल है, और ये फिल्म का गाना जो है वो कई सारी विशेषताओं के साथ आज भी हमारे कानों में गूंजता है। इस गीत ने कई सारे इतिहास बनाए हैं। पहला इतिहास तो ये है कि किशोर कुमार का युग शुरू हुआ। दूसरा इतिहास ये है कि ये गाना वन टेक ओके किया गया, क्योंकि ये गाना फिल्म की पूरी कहानी के भाव को ही बदलने वाला था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती थी। ये एक ऐसा गाना है जहां पर दिल की बातों का जो दौर है या फिर उसे व्यक्त करने का जो अंदाज है वो दो बेहतरीन साजों के साथ अपनाया गया है, और दो बेहतरीन फनकारों ने इसे बिल्कुल बखूबी पेश किया है। एक है दादा मनहरी सिंह साहब सैक्सोफोन पर, और दूसरे है केरसी लॉर्ड साहब आज हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दादा की और केरसी साहब की ये जुगलबंदी अब की बार हम सुनते हैं। इसे केरसी साहब की जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं हमारे सुराज जी साठे साहब। जोरदार तालियां हो जाए अकॉर्डियन पर। आप भी पंचमदा के म्यूजिशियंस में से एक हैं और कई सारी फिल्मों के लिए पंचमदा के आपने अपना अकॉर्डियन पेश किया है। और नंदू जी अंबेडकर साहब सैक्सोफोन पर दादा की जिम्मेदारी को उनके शिष्य निभाने के लिए तैयार हैं। फिल्म का नाम बताने की जरूरत है नहीं, कितने समझदार लोग हैं। वेरी गुड। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम ब
जाए। रुक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना पास न आना। रुक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। फिर एक बार जोरदार तालियां सुराज जी साठे साहब के लिए और नंदू जी अंबेडकर साहब के लिए, क्या बात है। एक गीत की सुंदरता बढ़ाने के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट कहां तक काम आ सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है आने वाला गीत जिसे अब की बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। गीतों की सुंदरता में ये गीत जब चलता है तो इस गायिका के साथ में, इस नायिका के साथ में ये म्यूजिक अरेंजमेंट और ये साज इस तरह घुल मिल कर आता है कि मानो पता ही नहीं चलता कि इस गीत का म्यूजिक अरेंजमेंट किया गया है। ऐसा लगता है कि दो भावनाएं एक साथ चल रही है और वो एक दूसरे के काम आ रही है और उनका काम सिर्फ इतना ही है हमारे दिलों पर राज करना। और एक ऐसा ही अंदाज फिर एक बार शंकर जयकिशन के संगीत से चुनकर हम आपके लिए लाए हैं। फिल्म का नाम है आरजू, अन्वेषा आप सबके लिए पेश करने के लिए तैयार हैं शंकर जयकिशन के इस संगीत को और हसरत जयपुरी साहब की इस लिखाई को। सुनते हैं फिल्म आरजू से।
करीबन 1950 के दौर में नौशाद जी ने ईडन गार्डन में एक स्टेडियम में बहुत बड़े एक संगीत समारोह में दादा को अपने सास के साथ सुना और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कहने लगे, यार आप तो ज़बरदस्त है, आप मुंबई आएंगे तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। वैसे तो हम राग रागनियों वाले संगीतकार रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके टाइप वाला भी कोई गाना बनाऊं। और यकीन मानिए, ये काम भी पूरा हुआ जब नौशाद जी ने एक फिल्म को हम तक पहुंचाया। फिल्म का नाम था साथी, और इसके सारे गाने जो है वो केरसी लॉर्ड साहब ने उसका म्यूज़िक अरेंजमेंट किया था, और उसमें से एक जो है अब की बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जहां पर दादा का फन जो है वो सुनाई देता है। तो अब की बार फिल्म साथी से मजरूह साहब का लिखा हुआ ये गीत, नौशाद जी का ये प्यारा सा संगीत आप सबके लिए। आइए सुनते हैं, शैलजा सुब्रमण्यम और राणा आपके लिए इसे पेश करने के लिए तैयार। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। लटे बिखराए मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। मंजिल मेरे दिल की वही है, साया जहां दिलदार है तेरा, पर्वत पर मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। जिस एक कलाकार के संगीत में योगदान के साथ जुड़ी हुई महफिल आप सब लोग सुन रहे हैं, उस मनहरी सिंह साहब के संगीत में जीवन के ये जेम्स हम आज की इस महफिल में स्वर प्रणय द्वारा आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि सलील चौधरी साहब ने फिल्म संगीत की दुनिया से दादा का परिचय कराया, और दादा ने यानी कि मनहरी सिंह साहब ने प्रदीप्तो सेन गुप्ता को फिल्म संगीत का परिचय कराया, वो वहाँ से उन्हें लेके आए। यही वजह है कि प्रदीप्तो सेन गुप्ता साहब ने अपने गुरु
मनहरी सिंह साहब को आंखों के सामने रखकर आज की इस महफिल का आयोजन किया है। आप सबके लिए रोशन साहब का ये गीत राणा चटर्जी पेश करने के लिए तैयार। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आई। नगमा सा कोई जाग उठा बदन में झनकार की थर थरी है तन में झनकार की थर थरी है तन में। वो मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों में रहने की राह। दिल जो न कह सका तो पाए किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए रहने के राज आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने के राज आई। दिल जो न कह सका। कई धारे बेहतरीन नगमे आज की इस महफिल में हम आपके लिए पेश करने वाले हैं और यही वजह है कि इस शो का टाइटल तुम मुझे यूं भुला न पाओगे यही है। हसरत जी की ये लिखाई, शंकर जयकिशन का संगीत, पगला कहीं का फिल्म का नाम और राणा चटर्जी इस दूसरे हिस्से की पहली रचना को पेश करने के लिए तैयार। आइए सुनते हैं। शंकर जयकिशन की कई सारी बेहतरीन रचनाओं में दादा के सोलो पीसेस का बड़ा बोलबाला रहा है और यही वजह है कि ये शंकर जयकिशन का योगदान भी आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। ऐसी ही एक और रचना अब की बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, आरजू फिल्म से हसरत जी की लिखी हुई, शंकर जयकिशन की संगीत बद की हुई अन्वेषा आपके लिए पेश करने के लिए तैयार हैं और इस महफिल खास का एक बहुत ही प्यारा सा एक और गाना आपके लिए पेश किया जा रहा है, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। आइए सर। ये गाना शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी अगर इजाज़त हो तो। मैं दादा को, प्रदीप्त दा को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम विथ ऑल ऑफ देम और सभी इतने सीनियर है मेरे से और आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
वैसे देखा जाए तो एक कलाकार के लिए इतनी उसकी कला की आयु होना ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि फिल्म संगीत में हर रोज़ बदलाव आते हैं और हर रोज़ बदलाव की इस दुनिया में 50 से भी ज़्यादा सालों तक जुड़े रहना और अलग अलग संगीतकारों की कल्पनाओं को हकीकत का रूप देते हुए अपने फ़न को बनाए रखना और संगीतकारों की कल्पनाओं से अपने साज को उसमें सम्मिलित करना है बहुत ही मुश्किल काम है। सचिंदा के पास काम शुरू करने के बाद मनहरी सिंह साहब ये कहते थे कि मैं अपने आप को टटोलता रहा, नए नए विचारों से लाभान्वित होता रहा, अपनी कल्पनाओं को हकीकत का रूप देने के प्रयास में हमेशा रहा। बर्मन परिवार भी हमारी कल्पनाओं की कद्र करते थे, उसे साकार करने की इजाज़त देते थे और हमें प्रोत्साहन देते थे। शायद यही वजह थी कि हम और भी अच्छा सोचते थे, और भी अच्छा करने का प्रयास करते थे, और यही वजह थी कि सितारों से आगे के बैकग्राउंड म्यूजिक से जुड़ा हुआ ये नाम मनहरी सिंह एसडी बर्मन के साथ बाद में इंसान जाग उठा से उनका म्यूजिक अरेंजर बना और फिल्म तेरे मेरे सपने तक वो बना रहा। बाद में पंचम दा का काम बहुत बढ़ने लगा, इसलिए सचिन दा का काम थोड़ा सा कम कर दिया गया, ऐसे दादा कहते हैं। लेकिन वो वक्त है और आज का वक्त है जहाँ पर दादा ये कहते हैं कि मुझे हर बार ये प्रेरणा मिलती रही कि मैं कुछ और करूँ, और अच्छा करूँ, और अच्छा करके मैं जो है अपने आप को साबित करने की कोशिश करूँ। और यही वजह थी कि बर्मन परिवार में अपनी कल्पनाओं के दौर को वो दलाते रहे। अब की बार
फिल्म गाइड से एक और रचना आपके लिए पेश की जा रही है। ये प्यारा सा दो गाना अजीत जी और अन्वेषा आपके लिए पेश कर रहे हैं। शैलेंद्र की है लिखाई और इस महफिल खास का एक और प्यारा सा दो गाना आइए सुनते हैं। गाता रहे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रात कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रात कहीं बीते ना ये दिन। आइए अब की बार हम आपको दादा का एक डुएट पेश करते हैं आपके लिए, खास डुएट जिसे दादा ने रफ़ी साहब के साथ गाया था और ये भी बहुत ही लाजवाब, लोगों को इतना पसंद आया ये डुएट कि लोगों ने उसे बार बार सुनने की चाह की और दादा के कुछ बेहतरीन डुएट्स में ये गिना जाता है। ये रफ़ी साहब और दादा का गाया हुआ बेहतरीन ड्यूएट है क्योंकि इस गीत में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आइए सुनते हैं। फिल्म का नाम बताते ही आप खुश हो जाएंगे, कुछ लोग समझ भी जाएंगे कौन सा गाना है। SH बिहारी का लिखा ये गीत, OP नैयर का संगीत और फिल्म का नाम कश्मीर की कली। देखो है कितना खुश हो गए आप, शायद कली आ गई आपकी आंखों सामने। नो प्रॉब्लम, चलो
आइए सुनते हैं, राणा आपके लिए पेश करने के लिए तैयार। ओपी नैयर की ये एक और खासियत थी कि वो हमेशा अपने म्यूजिशियंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। किसी म्यूजिशियंस का कोई पीस भी अगर उनको पसंद आए तो उनको वो 100 रुपए का एक नोट दिया करते थे, उनकी स्टाइल थी। और
वो 100 रुपये का नोट उन्हें इनाम के तौर पर देते थे और जो उनका पेमेंट था वो तो उन्हें मिलता ही था। कुछ और ख़ास बातें उनकी ये भी थी कि हर एक बार वो अपने आप को पूरी तरह व्यक्त करते हुए झोंक देते थे किसी के लिए भी, यानी उनके दिल में जो है उसे वो बोल देते थे। ऐसा ही हुआ जब इस गीत का रिकॉर्डिंग हुआ। बाबूजी इतने खुश हुए नैयर साहब की, कहने लगे यार क्या गाना हो गया है, ये सच में नशा आ गया, बहुत ही लाजवाब, चलो एक पार्टी करते हैं सब लोग मिलके। मनहरी दाग के इस बेहतरीन म्यूज़िक पीसेस की वजह से ये इतना लाजवाब बन गया है कि हम सब लोग इसके लिए पार्टी करते हैं, और एक पार्टी का आयोजन किया गया और दादा घर से निकले पार्टी के लिए, जिनकी वजह से ये पार्टी हो रही थी। रास्ते में कहीं पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, दादा वापस आ गए, सब लोगों ने पार्टी की, जिनकी वजह से पार्टी हो गई वो पार्टी तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन सच्चाई यही है कि ये नैयर साहब का एक एटीट्यूड था कि वो हर एक चीज़ को ऐसे खोल के करते थे। शायद यही वजह है कि इस गीत में दूसरा साज ही नहीं है, देखो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह खेलिए, दादा आपसे खुश हो गए, मज़ा आ गया, लाजवाब, दूसरा और कुछ नहीं। अब की बार अगली रचना की ओर मुड़ते हैं। बप्पी लहरी और रविंद्र जैन ये दो ऐसे संगीतकार हैं जिनके पहले ही फिल्म का म्यूज़िक अरेंजमेंट जो है वो दादा ने किया है, और फिर उसके बाद अपना काम बर्मन परिवार के साथ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने बाद में म्यूज़िक अरेंजमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ उनकी खास रचनाओं में दादा का ये साज जो है वो सुनाई देता है। एक ऐसी ही रचना है, फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर, रविंद्र जैन की लिखाई, रविंद्र जैन का संगीत। आइए सुनते हैं फिर एक बार आमेय दाते साहब से इस रचना को। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, सवाल मुझे फिर जोड़ा गया, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, सवाल मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ, घुंघरू की तरह बजता ही। सजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह
डोलों की तरह बजता ही रहा हूँ, बजता ही रहा हूँ। शुक्रिया। जीवन में हमारे कई सारे बेहतरीन गीत और बेहतरीन पल जोड़ने वाले ये संगीतकार, जिन्होंने अपने जीवन काल में 50 से भी ज़्यादा सिल्वर जुबली फिल्मों को हम तक पहुंचाया, और उनके गाने, गाने का सीधा साधापन, गाने की शोहरत, उसकी मेलोडी और उसमें आने वाले कई सारे शब्द जो है वो हमें जीना सिखा कर चले गए। एक ऐसा ही गाना संगीतकार रवि को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर इस महफिल में हम पेश कर रहे हैं, और साहिर लुधियानवी की ये लिखाई है। इस महफिल ख़ास में आप सबके लिए फिल्म वक्त का ये गाना अन्वेषा आपके लिए पेश करने के लिए तैयार। कहते हैं जो बीत गया वो कल था, जो आएगा वो भी कल है, जो आज है अभी है, आपके पास है, आपके साथ है, उस एक पल को एन्जॉय करना आना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन के हर एक पल को आखिरी पल समझकर जीता है, वही इंसान सही मायने से जीने का पूरा आनंद ले सकता है। यही संदेशा है इस गीत में, जो कहता है आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी कुछ है बस यही एक पल। सुनते हैं।
थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया. कितना अंकुश है आपका अपने दिलों पर. वैसे देखा जाए तो एक खास आवाज़ होती है इस साज की जिसे हम सैक्सोफोन कहते हैं. इसे अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने अंदाज से अपनाया है. आप अगर देखें तो कई सारे गीतों में ये मस्ती बनकर आया है, कई सारे गीतों में ये दिल के जज्बात भावनाओं को पेश करता है, कई सारे गीतों में ये गीतों की सुंदरता बढ़ाते हुए इंटरल्यूड के रूप में बजाया गया है, कई सारे गीतों में ये दिल का दुख बयां करते हुए उसे बहुत ही बखूबी उसकी परम सीमा तक लेके जाता है, कई सारे गीतों में ये दिल को निचोड़ने का भी काम करता है और इस तरह वो साथ निभाता है किसी गायिका का कि मानो ऐसा लगता है दोनों एक साथ चल रहे हैं. साज एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन उसके कितने सारे अंदाज हो सकते हैं ये सोचने पर मजबूर किया है मनहरी दा के प्लेइंग ने. और यही वजह है कि आज की ये महफिल सजी है और यही वजह है कि आप सब लोग दादा के बजाए हुए इन म्यूजिक पीसेस को सुनने के लिए इस महफिल तक पधार रहे हैं. ये जो गाना आपकी बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो दिल को निचोड़ने वाली बात जो है वो सामने आती है. फिर एक बार नैयर साहब अपने इस गीत में दादा के साज को दिल की गहराइयों तक लेना ले जाना चाहते हैं. ये रात फिर ना आएगी फिल्म का नाम है और SH बिहारी का लिखा हुआ ये गीत, आशा जी का गाया हुआ, आपकी बार आपके लिए पेश किया जा रहा है. शैलजा सुब्रमण्यम इसे पेश कर रही हैं. वो कहते हैं ना कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब भी चली सर्द हवा मैंने तुझी को याद किया. इसका गम नहीं है कि तूने दिल किया बर्बाद, इसका गम नहीं है कि तूने दिल किया बर्बाद, इसका गम जरूर है कि बहुत देर में बर्बाद किया. बहुत देर में यही वो जगह है, यही वो फिजाए, यही पर कभी आप हम से मिले, यही वो I'm not afraid.
क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू, शुक्रिया। अगली रचना जो आपके सामने पेश की जा रही है, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का गाना है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि रोमांस में थोड़ा सा सैड फील डालने से जो अपनापन बढ़ता है वो नैयर साहब के कुछ गीतों में सुनाई देता है और कुछ इस गीत में भी मुझे सुनाई दिया है। तो पूरा गाना रोमांटिक लेकिन इसका फील जो है थोड़ा सा सैड आपको बनाता है, बट है बहुत ही क्लासिक और बहुत ही मशहूर। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, अख्तर रुमानी की लिखी हुई ये रचना, कल्याण जी आनंद जी का ये प्यारा सा संगीत, राणा के साथ अन्वेषा इस रचना को पेश करने के लिए तैयार है। फिल्म हसीना मान जाएगी से। उठ गए जो कदम।
मैं आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे रिदम डिपार्टमेंट के लिए, जिन्होंने इस गीत में लाजवाब अपने फन को पेश किया है। सबसे पहले ढोलक पर विशाल महात्रे साहब, एक पे एक फ्री, यानी कोंगो फ्री है उसके ऊपर ढोलक पर। ओके बाद में तबले की खनक है आज की इस महफिल में निषाद करलगीकर साहब की। परकशंस पर आप सब लोगों के दिलों पर राज करते हैं दीपक बोरकर साहब, और ऑक्टोपैड पर हैं हमारे साथी विजय जी जाधव साहब। सिंथेसाइजर पर हैं हमारे तीन बेहतरीन कलाकार प्रवीण जी फाटक साहब, आरती गोसावी, और हमारे एक और प्यारे दोस्त आनंद सहस्त्रबुद्धे। सितार की मिठास है उमा शंकर शुक्ल साहब की, वाह क्या बात है। बांसुरी की मधुर आवाज आई है विजू तांबे साहब के फन से। बेस गिटार पर है मनीष कुलकर्णी साहब, लीड गिटार पर हमारे एक और चहीते कलाकार अजय मदन साहब। एकॉर्डियन का जादू है शहर मुंबई में जो डोलता है बिल्कुल अपने फन के साथ, सुराज साढ़े साहब का। दो बेहतरीन कलाकार जो इस महफिल में दादा की इन रचनाओं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी आत्मीयता के साथ तहे दिल से पेश कर रहे हैं, नंदू जी अंबेडकर और मनोज भाई, जोरदार तालियां। हाँ मैं गुजारिश करता हूँ अब की बार मोहन जी से कि आप अपने पूरे टीम का जो है वो परिचय कराए, जो जो इस महफिल का बिल्कुल खास अंदाज बनकर वॉयलिन के साथ आया है, तो अपने पूरे साथियों का परिचय कराए। हेलो, हमारे सीनियर किशोर सिंह जी, पूरन जी, श्याम जौड़ा जी, चंदन सिंह जी, दिलशाद जी, गॉडविन जी, रिजवान जी, अभिजीत दा, बुद्धिदेव जी, शाही जी, और मैं मोहन जी। हाँ, हमारी आवाज और साजों की आवाज आपके कानों तक जिन्होंने पहुंचाई है वो है आज के हमारे साउंड इंजीनियर T2 कुलकर्णी साहब, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए, बहुत ही अच्छा काम आज उन्होंने किया है। और इस महफिल को सही मायने से एक भक्ति रूपी भेंट के रूप में और अपने शिष्य रूप के कर्तव्य को पूरा करते हुए तहे दिल से जिन्होंने आप तक पहुंचाया है स्वर प्रणय की ओर से और अपने इस साज मैंडोलियन की ओर से आप सबके दिलों पर जिन्होंने दस्तक दी है, ऐसे ये फनकार दादा के ही इंट्रोड्यूस किए हुए इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को प्रदीप्तो सेन गुप्ता साहब जो इस कार्यक्रम का संगीत संकलन भी कर रहे हैं, जोरदार तालियां। अबे आपको जितनी पसंद आई है ना ये महफिल उतनी तालियां बजाइए। थैंक यू। कुछ तालियां बची है? हाँ। बड़े समझदार यार लोग। हमारा नाम है संदीप पंचवाटकर। थैंक यू, शुक्रिया। राजेश और राजन है हमारे लाइट इंजीनियर, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये सेट भी उन्होंने डिजाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। अगली रचना आइए सुनते हैं। सट्टा बाजार के गीत को अब की बार आपके लिए पेश किया जा रहा है, गुलशन बावरा की है ये लिखाई। भुला दो मुहब्बत में हम कम मिले थे, सब नहीं समझे थे, मिलके चले।
अब की बार यहाँ पर दो लाजवाब गीत आपके लिए पेश किए जा रहे हैं जो आरडी बर्मन के संगीतबद्ध किए हुए दोनों को आनंद बख्शी साहब ने लिखा है। और एक और बात ये भी है कि इसे आमे अदाते आपके लिए पेश कर रहे हैं। सो पहला गाना आमे और शैलजा सुब्रमण्यम आपके लिए पेश करेंगे और दूसरा गाना आमे आपके लिए गाएंगे।
कुछ गीत ऐसे बने हैं दादा के करियर में जो फिल्म का सबसे बड़ा हिस्सा या कामयाबी का अहम हिस्सा बनकर हमारे आंखों के सामने आए। एक ऐसा ही गाना अब की बार आप सुनने जा रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रूप तेरा मस्ताना, तुम्हें याद होगा, गाता रहे, है दुनिया उसी की, ये हमने आपके लिए पेश किए हैं। और ऐसा ही एक ज़बरदस्त आपके लिए अब की बार आमें दाते पेश करने के लिए तैयार है।
जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी रचनाएं हैं दादा ने अपने जीवन काल में बनाई हुई या फिर जिसमें दादा के साजों का योगदान है कि वो फिल्मों की सबसे बड़ी सफलता के रूप में उभर कर आई है। ऐसी ही कुछ तीन रचनाओं को चुनकर अब अगला सेगमेंट हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, एक छोटा सा मेडले जहां पर दादा की तीन मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है और दादा का उसमें लाजवाब अंदाज है। मैं सभी सिंगर्स को यहां पर आमंत्रित करता हूं कि वो इसे आपके लिए पेश करें। टूटती है काफिर आग किसका निशान,
महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, गुंजन ढूंढती हूँ